ब्रेक फेल ट्राला अनियंत्रित होकर सामने से आ रही आयसर में जा घुसा। हादसे में 3 घायल, 1 की हुई मौत। घायलों को टोल एम्बुलेंस की मदद से उपचार हेतु धामनोद अस्पताल भेजा। पुलिस ने संभाली ट्रैफिक व्यवस्था। धार जिले के गुजरी राव खलगाट फोरलेन के गणपति घाट पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। रविवार रात करीब 2 बजे घाट उतर रहे ट्राले के ब्रेक फेल होने से ट्राला अनियंत्रित होकर 1 किलोमीटर घाट उतर कर डिवाइडर कुछ चढ़ने वाली लेन पर जाकर सामने से आ रही आयसर में जा घुसा। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, वहीं 1 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद रात 2 बजे से घाट चलने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई। घाट उतरने वाली लेन से वाहनों का आवागमन शुरू किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार इंदौर की तरह से आकर गणपति घाट उतर रहा ट्राला क्रमांक UP 36 T 3415 के ब्रेक फेल होने से ट्राला 1 मिनी ट्रक के MP 46J 0652 में जा घुसा। हादसे में मिनी ट्रक का चालक जहांगीर जाकिर खान उम्र 52 निवासी जुलवानिया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में अनवर साकी व कमलेश मधुकर घायल हो गए हैं। घायलों को टोल एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए धामनोद अस्पताल भेजा गया है। वहीं सोमवार सुबह 9 बजे घाट उतर रहा ट्राला क्रमांक NL01AA8103 तेज गति से घाट उतर कर सामने से आ रही कार MP09WJ3077 ने ट्राले को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार में बैठे युवक को चोट लगी, जिसे टोल एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए धामनोद अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद घाट चढ़ने वाली लेन पर दुर्घटना और वाहन पलटने से आवागमन बंद हो गया, जिसके कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। घाट उतरने वाली लेन से वाहनों का आवागमन शुरू किया गया। दोपहर तक घाट पर जाम जैसी स्थिति उत्पन्न होती रही। पुलिस ने घाट पर पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। सीआईडी न्यूज के लिए कुंवर खेमचंद प्रजापति की खास रिपोर्ट।